नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं सारा ओडिशा सह मु विभ्रंजन एवं आसतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा पुणी लेउटी कोरोना डर महाराष्ट्र केरल कर्णाटक पंजाब मध्यप्रदेश गुजरात छत्तीसगढ़ में कोरोना स्थिति पुणी जटिल होबारे लागिला कोरोनार द्वितीय लहरी को नहीं पुणी चिंता बढ़ी एभली स्थिति में राज्यर सब् मुख्यमंत्री मानों सहित भर्चुआल मोड्रे आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री मोदी द्वितीय लहर को सावधान रहा परामर्श देछंती प्रधानमंत्री कहते द्वितीय लहर को तुरंत रोकवाई पड़ो एथपाई त्वरित पदक्षेप नेवाई पड़ कि स्थान में प्रशासन मास्क नियम कड़ाकड़ी करुनथिबारु उद्वेग प्रकाश कर प्रधानमंत्री कोरोना युद्ध में विजयी होवार आत्मविश्वास बेपरुआ भाव में बदली न जाऊ पूर्व भली सतर्क एवं सजग रहा प्रधानमंत्री देते परामर्श केरल ओडिशा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश भली राज्य में आरटीपीसीआर बदल में रैपिड एंटीजन टेस्ट करत रहा आंटीजेन बदल में आरटीपीसीआर टेस्ट संख्या वृद्धि करा दरकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिले में रेस्पन्स टीम अधिक फोकस करा दरकार टीका अपचय रोकवाक नहीं क्षोभ प्रकाश कर प्रधानमंत्री तेलंगाना आंध्र उत्तर प्रदेश भली राज्य में 10% टीका नष्ट रोकवा दिगरे राज्यगुड़िक पदक्षेप ने जरूरी बोली से निर्देश देते हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है जैसे केरल है उड़ीसा है छत्तीसगढ़ है यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो हर लेवल पे चर्चा हो सेंसिटाइज भी करेंगे पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट ट्रैक और ट्रीट इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके
एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ओडिशा सरकार लॉकडाउन सपक्षरे नहांती। प्रधानमंत्री सहित कोरोना नहीं आलोचना परे यह कहते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नवीन कहते आम लॉकडाउन समय को फेर चाहूनु, तेणु सतर्कता और सचेतनता को सुनिश्चित करने प्राथमिकता दि जाऊँगी। विशाल जनसंख्या जगू रोग प्रतिरोधक शक्ति आसवाक समय लगे, एमको अधिक सतर्क रहा पड़ो मुख्यमंत्री। कोविड मुकाबिले केन्द्र को समस्त सहयोग कहवा सहित वैज्ञानिकों कृतज्ञता जन नवीन। स्वास्थ्यकर्मी और प्रशासन कोविड मुकाबिला नहीं अनवरत काम करेणु से मुख्यमंत्री धन्यवाद दे। पूर्व गत रविवार राज्यवासी को संबोधन करी कोरोना नहीं सतर्क कराइले मुख्यमंत्री। कोरोना काबू में थिबा बेले राज्य सरकार शून संक्रमण लक्ष्य रखिता मुख्यमंत्री कहते। सांबादिकों कोरोना टीका अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव चिठी। केन्द्र स्वास्थ्य सचिव एसीएस प्रदीप्त महापात्र चिठी लिखिंट। सम्मुख योद्धा भाव में काम कर किसी वर्ग को सामिल कर छापा और वैद्युतिक गणमाम कर्मचारी कोरोना टीका अनुरोध करसीएस। विद्युत और जल जोगाण कर्मचारी सहित एयरपोर्ट रेल और बंदर में कार्यरत कर्मचारी भैक्सीन चिठी लिखिंट। याछड़ा श्रीमंदिर और लिंगराज मंदिर सेवायत को सम्मुख योद्धा भाव में टीका मिलू चिठी लिखिंट अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव। एपटे पुणी डरला कोरोना। दिनक 28,903 नुआ आक्रांत चिन्हट होती, जहाँकि गत तीन मास मध्य देश में सर्वाधिक। से भि 24 घंटा मध्य 188 जनों जीवन नहीं भाइरस, जहाँ गत दुई मास भितर सर्वाधिक। नुआ पॉजिटिव एवं मृतकों मध्य महाराष्ट्र अधारू अधिक रही। महाराष्ट्र 17,864 नुआ केस बाहरी, जहाँ गत 167 दिन मध्य सर्वाधिक। से भि दिनक महाराष्ट्र 87 जन आखि बुझी। महाराष्ट्र में कोरोनार हॉटस्पॉट पलटि नागपुर सहर। 24 घंटे नागपुर 2,587 नुआ मामला सामना को आसी। छड़ा केरल कर्णाटक पंजाब में चिंता बढ़ुची। आज केरल 1,970 पंजाब 1,460 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले कर्णाटक 1,100 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। 2021 प्रथम थरपाई कर्णाटक दैनिक नुआ आक्रांतों संख्या हजारे टपिश। 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स, 16 राज्यों में 70 जिले, जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं, और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं, वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई। गंजाम को पुणी फेरिला महामारी भय। ब्रह्मपुर टाटा पावर एक ऑफिस रु एकाथर केते कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होबा परे बढ़िला प्रशासन रो चिंता। गत वर्ष मे मास रे प्रवासी श्रमिक जिला को फेरिबा परे संक्रमण बढ़िथिला, तेणु एबे गंजाम रो हजार हजार लोक काम करुथिबा महाराष्ट्र एवं गुजरात रो प्रमुख शहर रे संक्रमण बढ़िबा परे तत्पर स्वास्थ्य विभाग बाहर राज्य आसुथिबा यात्रीं को स्क्रीनिंग सहित ट्रेसिंग ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग को गुरुत्व दिया जाइछि। गंजाम रे पुणी कोरोना डर। राज्य बाहर आसीथिबा ब्रह्मपुर स्थित टाटा पावर दक्षिण ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस रो केतेक अधिकारी ओ कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। एहा पर संप्रक्त ऑफिस को रविवार जाय शटडाउन करा जायछि। सूरत समेत गुजरात रे संक्रमण बढ़ुथबारु गंजाम जिला प्रशासन रो चिंता बढ़िछि, कारण केवल सूरत रे जिल्ला रु प्राय 6 लाख लोक विभिन्न कंपनी रे काम करुछंती। सेठारे स्थिति बिगड़िले प्रवासी श्रमिक पुणी गंजाम मुहाबार आशंका रहिछि। एहा को दृष्टि रे रखी तत्परता देखाइछि स्वास्थ्य विभाग। ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे ट्रेन रो आसुथबा यात्री को स्क्रीनिंग लक्षण थिला एंटीजेन टेस्ट करा जाउछि। गत वर्ष मे 2 रे जिल्ला रे 2 टी पॉजिटिव चिन्हट होइथिले, हेले सुरेंद्र प्रवासी श्रमिक बस ओ ट्रेन रे फेरिबा परे धीरे धीरे अनायत्त होइथिला कोरोना स्थिति। तेणु एथर तर जेमिति पुनरावृत्ति न हुए ताकु नै सजाग प्रशासन। अंगनवाड़ी और स्वास्थ्यकर्मी लोकंकु नै सचेतनता कार्यक्रम करुथुबा बेले प्रतिदिन 2,000 रु अधिक टेस्टिंग होउछि, तेणु भयभीत न होइ सतर्क रहिबाकु परामर्श दैछन्ति सीडीएमओ। जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षर सब टेंट करा है, एटी कैंप करा होची। हमर 24 आवर्स ड्यूटी होची, तीन जन स्टाफ एटी आमे रहौचु। जेती सब फेरुछंती बाहर समस्त एटी थर्मल स्क्रीनिंग करा होची, जार किछि आमे सिम्पटम पाइलु सेमानर एंटीजन टेस्ट मध्ये करा होची। हमर टेस्टिंग व्यवस्था में सफिशिएंट हम पाकर किट अछि, हमर टेस्टिंग रे किसी प्रॉब्लम नै। हमे एबे भी हमे अराउंड 2,159 टेस्ट करू छु पर डे, एवरीडे हम टेस्ट करू छु।
ଆଣ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ପ୍ୟାନିକର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମେନଲି ପ୍ରିକସନରି ମେଜର୍ସ ଆମେ ନେବୁ, ବେସିକଲି ଯେଉଁ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି ମାନେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସମୟ ଅଫିସରେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରାଯିବ, या से ड्यूटी ड्यूटी गई हूँ सेठी सब केमी मास्क पिंधे ताकि आईसी एक्टिविटी माइकिंग या को आम गुरुत्व दूचु वर्तमान या सहित हेल्थ साइड रो टेस्टिंग को आम गुरुत्व दूचु। पड़ोसी राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़िया पर सतर्क होती राज्य सरकार राज्य में टेस्टिंग को अधिक त्वरान्वित हो जनस्वास्थ्य विभाग निर्देशक एथस जो मैंने अधिक संक्रमित राज्य आसुंक नजर रखा कौन लक्षण देखागले तुरंत टेस्टिंग निर्देश दि जाएगी विशेषकर जो मैंने सुराटू गंजाम को फेरुं मनिटरिंग जिला प्रशासन को निर्देश दि जा जनस्वास्थ्य निर्देशक जो माने बाहर आसुचंती जहाँ थंडा काश ज्वर होए पॉजिटिव तार कंटाक्ट ये जब टार्गेटेड करके टेस्टिंग बढ़ात आरटीपीसीआर संख्या बढ़ात बोली सबू जिला को निर्देश दिखाई सीनियर डाक्तर छः जन को दायित्व दिखाई डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर लेवल मनिटर कर कोरोना को काबू में रखा आगुआ पदक्षेप नि बर्तमान दैनिक 25,000 टेस्टिंग बेले जिलागुड़िक ट्रैकिंग ट्रेसिंग और टेस्टिंग अनुध्यान 6 जन वरिष्ठ अधिकारी दायित्व दि जाएगी। ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा और भुवनेश्वर अजेश मल्लिक न्यूज 18 इंडिया। विधानसभा राजभवन पहुंचला क्षमा प्रसंग बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागिबा दाबी रे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल निकट में फेराद होती बीजेडी विधायक सेपटे गृह अचलावस्थापी मुख्यमंत्री को टार्गेट करिछंती विरोधी आउ खाद्य जोगाण मंत्री कहिबा हला निजर टीआरपी पाई आत्महत्या उद्यम करिथिले सुभाष विधानसभा रे बीजेडी विधायकों हट्टगोल आउ बाहरे मार्च गृह आत्महत्या उद्यम पाई बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागिबा दाबी रे गृह चारिदिन अचल रहिबा परे राज्यपालंक पाखरे फेराद होइथिले बीजेडी विधायक प्रश्नकाल मुलतवी होगा पर राजभवन जाते विधायक हाथ में प्लाकार्ड सह सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागंतु स्लोगान दे पहुंची राजभवन में राज्यपाल को दावीपत्र देवासह अभोग करते गृहर मर्यादा क्षुण्ण कर सुभाष सानिटाइजर पी आत्महत्या उद्यम कर कि बार्ता देवाक चाहती बोली प्रश्न करने क्षमा मागक दावी करजेडी सेपटे प्रश्नकाल आरंभ धान किणार व्यवस्था नहीं हट्टगोल करते विरोधी आउ बाहर बीजेपी और कंग्रेस मुख्यमंत्री को करते टार्गेट विरोधी दल नेता अभियोग गृह अचल सत्वे मुख्यमंत्री देखा नहीं आउ जो मुख्यमंत्री आलोचना डाकबे और जितेबाला समय देवे आम आलोचना प्रस्तुत बोली नवीन पट्टनायक चिठी लिखि उल्लेख कर प्रदीप्त नायक सेपरी कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र कहते जदि मुख्यमंत्री घटन हस्तक्षेप न करती तेज यह गणतंत्र हत्या बोली धरी निया सानिटाइजर सप्लाई होउछि ताकु जदि यूज करिवे विधानसभा रे व्हाट मेसेज इट गिव्स टू द कॉमन पब्लिक तेणु साधारण लोकों को गोटे मेसेज जाउछि जने विधायक एको सुसाइड अटेम्प्ट जोटा कि ओडिसा विधानसभा इतिहास रे केबे सुना जाय नथिला एते दिन आलोचना हला परे 5 दिन हाउस न चलला परे भी राज्य मुख्यमंत्री गृह नेतांकर परम कर्तव्य नुहे कि हाउस काही कि चालू नै आसी कि आलोचना करिवार तांकर कर्तव्य नुहे कि 5 दिन हला नवीन बाबू काही कि हस्तक्षेप करबा को चाहू नांती आमे तारी पै तांको संगे आसंता काली आलोचना करबा को चाहूचु जे प्रकार अशोभन परिस्थिति को शीघ्र समाधान करते आमे भी आलोचना चाहू माननीय वाचस्पति जदि चाहिबे कार्यानुसरण ग्रहण करि परिबे ताकु इन्क्वायरी करि परिबे एवं जहां व्यवस्था करिया कथा करि परिबे सेति पै गृह अचल करिवार कोनोसी आवश्यक नाही सर्वदलीय बैठक डाकंतु समस्या समाधान करंतु आउरी बहुत विषय आलोचना करिवार अछि राज्यर स्वार्थ नैगिरी खाद्य और जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहते एवं सुधा 61 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह होइछि हेले व्यापारी धान किणवाक सरकार इच्छुक नुहंति आउ सुभाष पाणिग्राही निजर टीआरपी पै आत्महत्या उद्यम करथिबा कहिछंती रणेन्द्र धान 16 अणा उठुची प्रत्येक दिन आजिका दिन मध्य आपको स्टेटमेंट दौचु आम 60 लाख 61 लाख टन मेट्रिक टन धान उठे सारू जहाँ रेकर्ड भूल कौन संपूर्ण भाव भूल कौन गृह अचलावस्था दूर पर बाचस्पति बारंबार सर्वदलीय बैठक डाकुं तीन दल निज निज जिद्रे अटल थी निष्कर्ष बाहरी पारना भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन गौरप्रसाद राजगुरु महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। पुरुणा पाठ पढ़े नुआ पिला आसंता 2021-22 शिक्षा वर्ष आरंभर 2-3 मास पर्यंत पूर्व वर्षर पाठ पढ़े छात्र छात्री
यह गणशिक्षा विभाग अधीन समस्त सरकारी सरकारी अनुदान प्राप्त एवं अण अनुदान प्राप्त घरोई स्कूल रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत लागू हेबो। पिलामानंक दक्षता वृद्धि पाई रिमेडियल बा रिविजन क्लास हेबो। पुरुणा पाठर हेबो आलोचना माने रिविजन 2021-22 शिक्षा वर्ष आरंभर 2-3 मास पर्यंत पुरुणा वर्षर पाठ पढ़ा जिवो। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिलांक पाई एभली निष्पत्ति नेछि विद्यालय ओ गणशिक्षा विभाग। मंत्री कहते कोरोना जो चलित वर्ष बिना श्रेणीगृह पढ़ा सरी जाइन पाठ पढ़ा द्वारा सब पिला उपकृत हो पारिना तेणु प्रथम रु अष्टम पिला बिना परीक्षा परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण कर दृष्टि नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ पिला पुणा पाठ पढ़ावा अर्थात रिमेडियाल क्लास कर निष्पत्ति ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଠକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ଆମେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରାଇବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏହା ହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ରିମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପିଲା ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସହଜ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2-3 ମାସ ରିମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଲା ସେ ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯିବ। କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଗଲେ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ନୂଆ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେହେତୁ ଖରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରୁ 3 ମାସ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜୁନ୍ ମାସ ଖରା ଛୁଟି ତଥା ରଜ ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ବଢ଼ିବ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ହଜାରେ ଜଣ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପିପିଲି ଜିତିବୁ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପିପିଲି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରଣନୀତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭୋଟଦାନ ହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ ଅତି ବେଶୀରେ ହଜାରେ ଜଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ 271 ବୁଥ୍ ଥିବା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଧିକ 75 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଇଭିଏମ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଚେକ୍ ବି ସରିଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ହେବ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ପ୍ରଚାରରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକାକରଣ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିବେ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଘୋଷଣା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ, ମାସ୍କ ସବୁ ଯେତେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସବୁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ। ଯେତେ ମିଟିଂ ହେବ କି ଟ୍ରେନିଂ ହେବ କି ଇଭିଏମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ହେବ, ଯେ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ହେବ। ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ହଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ।
मैदान प्रस्तुत तेणु आरंभ हेब पिपिली लड़े आवर्वर आरंभ हो बयानबाजी कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते लोके जानते बीजेपी बीजेडी गोटे दल उभय चाषी विरोधी पिपिलीर अधिकांश भोटर चाषी तेणु सेंग्रेस अच्छा सेपटे पूरी विधायक जयंत षडंगी मत में कंग्रेस पूर्व भोट बजाय रखिले बीजेपी निश्चय जित संभवतः बीजेपी प्रार्थी रिपीट करे जयंत हेले पिपिली दायित्व बीजेडी विधायक प्रताप देव कहते आम जहां ग्राउंड फीडबैक पाऊ से नहीं दल में चली विचार विमर्श आमर विजय निश्चित गला उपनिर्वाचन भिने वर्तमान उपनिर्वाचन भिने अच्छे लोक चाहते विजु जनता दल बीजेपी दल एम गोटे दल विधानसभा भी आम कौ चाषी दुईट जाक चाषी विरोधी दल एवं से अंचल लोक चाषी लोक एवं चाषी जातिर लोक बहुत भर्ती अच्छा निश्चित भाव आम आशा और विश्वास से अंचलवासी निश्चित भाव कांग्रेस ये विजय हम शीघ्र प्रार्थी डिक्लेयर हो कमिटी की जाइए आम जो कमिटी अच्छे पार्लियामेंटरी कमिटी खूब शीघ्र प्रार्थी ना पलैस मोर विश्वास जी लड़ते से ही बोध लड़े जेबेठ इलेक्शन हवा भी जना पड़े सेबेठ आम कर्मी मैंने पूरा पंचायत में लगे उपनिर्वाचन लड़ाप प्रस्तुत अच्छा आम दल सांगठनिक कर्मकर्ता दल नेतृत्व से विषय सजग अच्छा दीर्घ 20-25 दिन हम आमर निर्वाचन प्रस्तुति जारी रही दल सभापति ठिकना समय दल प्रार्थी चयन करेंगे और घोषणा करेंगे एप्रिल 17 रे पिपिली रे वोट और मे 2 रे रिजल्ट आ मार्च 30 से उची प्रार्थीपत्र दाखल रो शेष दिन तेणु 2-3 दिन रे प्रार्थी ना घोषणा दे कांग्रेस और बीजेपी कहिथिबा बेले बीजेडी कहिछि प्रार्थी नै नवीन नेबे निष्पत्ति भुवनेश्वर कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु आशीष दास को सह महेश प्रसाद नंद अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया राज्य में बनाग्नि संपूर्ण आयत्ताधीन टास्कफोर्स मुख्य संदीप त्रिपाठी स्पष्ट करिछंती से कहिछंती चंदका जंगल में लागिथिबा निया मध्य नियंत्रण को आसी जंगल में लागिथिबा निया संपूर्ण लिभाई दिया जाइछि राज्य सरकार सहित मिसी वन विभाग और अग्निशम विभाग मिलित उद्यमरु जंगल निया स्थिति आयत्त को आसीथिबा टास्कफोर्स मुख्य कहिछंती सेपटे नुआ पीसीसीएफ भाव में आईएफएस शिशिर रथ को नियुक्ति दि जाइछि पीसीसीएफ सहित से राज्य वन सुरक्षा बलर मध्य मुख्य दायित्व निर्वाह करेंगे 1987 बैचर आईएफएस शिशिर रथ पीसीसीएफ भाव में दायित्व नेबापर बनाग्निर कारण और निराकरण दिगरे पदक्षेप को गुरुत्व देबे ओडिशा अग्रणी संवादपत्र धरित्री और ओडिशा पोस्ट आयोजन करुछंती बिजनेस एमिनेंस अवार्ड यार उद्देश्य होउछि राज्यर प्रमुख बिजनेस लीडर मानंकु सम्मानित करिबा मार्च 20 तारीख स्थान स्वस्ति प्रीमियम भुवनेश्वर आम पहुंच आपणों शक्ति एणिक आप न्यूज 18 ओडिया देखापी लगन करूँ आम वेबसाइट news18odia.com आम फेसबुक पेज @news18odia ट्विटर हैंडल @news18odia यूट्यूब चैनल @news18odia सारा ओडिशा को वेट रखा नमस्कार।